सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। Hunnarbaaz Season 5, powered by Skill India Mission and presented by Bank of Baroda, Bharat ka antarrashtriya bank. Atma Vishwas, ye sirf ek shabd nahi hai, balki taqat hai. Aisi taqat, jisne Sachin Tendulkar ko cricket ke bhagwan ka darja diya. Aur Hima Das ko vishwa vijeta bana diya. Aisi taqat jo mitti mein ghul kar karodon logon ki bhook mitaye aur टेक्निक से जुड़कर चांद तक पहुंच जाए। आत्मविश्वास हो तो कोई कमी हावी नहीं होती, और यही वजह है कि अरुणिमा एवरेस्ट की चोटी तक पहुंची। यही नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है आपका आत्मविश्वास, और आपके अंदर इस ताकत को भरने का दम रखता है आपका हुनर। और हुनर से भरे आत्मविश्वास की इन्हीं कहानियों का ताना बाना है हुनरबाज, जो अब लेकर आया है सीजन 5। हुनरबाज सीजन 5, जहां आपको प्रेरणा देंगी कोशिश से जुड़ी सफलता की नई कहानियां, हुनर से जुड़े नए करियर ऑप्शंस, नए इनोवेशंस और रोजगार की नई बात, जो भरेगा आप में एक नया आत्मविश्वास, और आप गर्व से कहेंगे, मेरा हुनर मेरी पहचान। बिजनेस करने के कई तरीके होते हैं, और अक्सर हमारे सक्सेस का अंदाजा लगाया जाता है कि हम उससे कितना पैसा कमाते हैं, हाउ वेल्थी वी आर। लेकिन मेरे हिसाब से सफलता सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है, बल्कि इस बात पे भी निर्भर होना चाहिए कि आपके किए हुए काम से एक इंसान या समाज में क्या परिवर्तन आ रहा है। कोई भी बिजनेस सोसाइटी में ही पनपता है, तो सोसाइटी की तरफ कुछ करना हर बिजनेस का उद्देश्य तो होना ही चाहिए, है ना? थिंक अबाउट इट। जो सोशल चेंज लाने के लिए इंस्ट्रूमेंटल है वो बैंक्स हैं। आज आपने देखा होगा कि द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन जो बोला गया है, यहाँ पे हैव्स एंड हैव नॉट्स वाली बात थी अभी तक, लेकिन वो हैव नॉट्स को भी हैव बनाने के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन जिसको कहा जाता है, इसकी भूमिका जो बैंकों ने निभाई है, मेरे ख्याल से और कोई इंस्टीट्यूशन उसके आसपास भी नहीं आता है। कोशिश हमारी, सफलता आपकी। बैंक ऑफ बड़ौदा। मुझे बचपन से राइटर बनना था। बिजनेसमैन। मैं एक बैंकर बनना चाहती हूँ। मैं फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। मुझे मार्केटिंग मैनेजर बनना है। माय फ्यूचर एम इज टू बिकम अ रेडियो जॉकी। मुझे एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करना है। मैं बॉक्सर बनना चाहती हूँ। देखा आपने कितनी उम्मीदें और कितने सपने हैं इन स्टूडेंट्स की आंखों में अपने करियर को लेके, जिसे एक दिशा दिखाने का काम करता है कोई भी स्कूल या कॉलेज। लेकिन जब भी ऐसी किसी संस्था की शुरुआत होती है तो उससे सिर्फ स्टूडेंट्स के सपने ही नहीं पूरे होते, बल्कि उससे जुड़े हर एम्प्लॉय की जिंदगी बनती है। ऐसे ही कुछ सपने पूरा करने और कुछ लोगों की जिंदगी बनाने की तरफ हुई है एक कोशिश, जिसे जानने हम पहुंचे हैं मुंबई की कांदीवली एजुकेशन सोसाइटी में। ये युवा ही तो है जो हमारे देश का आने वाला कल है। इनके अंदर का जोश, इनका जुनून अपने सपनों को पूरा कर दिखाने के लिए किसी भी हद को पार करने की ताकत रखता है। बस जरूरत होती है उसे एक सही दिशा मिलने की, जिसकी जिम्मेदारी उठाते हैं स्कूल्स और कॉलेजेस। और इसी मकसद के साथ शुरू हुआ कांदीवली एजुकेशन सोसाइटी का सफर। कांदीवली एजुकेशन सोसाइटी 1989 में कॉलेज शुरू हुआ, लेकिन कांदीवली एजुकेशन सोसाइटी 1936 में कुछ सोशल वर्कर्स थे, वो लोग सामने आए और उन्होंने ये संस्था शुरू करी। उस ज़माने में 9 बच्चों से शुरुआत की थी और आज 9,000।
बच्चे हैं हमारे यहाँ। 9 से 9,000 बच्चों तक का ये सफर कांदीवली एजुकेशन सोसाइटी के लिए इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ चैलेंजिंग भी रहा है। तेजी से बदलते एजुकेशन ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाना आज के समय की डिमांड है, और इस बात की अहमियत को समझते हुए कांदीवली एजुकेशन सोसाइटी ने भी अपने आप को समय के मुताबिक बदला, जिसमें एक दोस्त की तरह इनके साथ रहा बैंक ऑफ बड़ौदा। जब कॉलेज के एक्सपेंशन के बारे में बात आई तो यहाँ पे आर्ट्स फैकल्टी शुरू हुई और नए नए कोर्सेज की शुरुआत हुई। तो जब इन कोर्सेज की शुरुआत हुई तो हमने इन कोर्सेज के अकाउंट्स खोले गए और बैंक ऑफ बड़ौदा की दोस्ती वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। तो जो एंटायर जो हमारा सेल्फ फाइनेंस सेक्शन है, इट इज़ बैंकिंग विद बैंक ऑफ बड़ौदा। और जो हमारी नई बिल्डिंग आई है उस बिल्डिंग का लोन बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिया, और जिसकी वजह से आज एक स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग खड़ी हुई, नए कोर्सेज शुरू हुए, और जब अच्छी बिल्डिंग आई, अच्छे बच्चे आए, अच्छे टीचर्स आए, वी कुड गिव देम मोर बेनिफिट्स, वी कुड गिव देम डाइवर्सिफाइड कोर्सेज, एंड वी आर डूइंग वेरी वेल। बैंक के इस साथ से आज KES युवा पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य देने की ताकत रखता है। डिबेट करने के लिए ऑडिटोरियम हो या सब्जेक्ट को बेहतर समझने के लिए डिजिटल क्लासरूम्स, प्रैक्टिकल्स के लिए हर संभव इक्विपमेंट्स से सजी लैब हो, या किसी भी वक्त किताबों को पढ़ने के लिए मोबाइल लाइब्रेरी, यहाँ रखा गया हर बात का ध्यान, और इस चौतरफा विकास में बैंक का साथ एक अहम भूमिका निभाता है। बैंकिंग इज समथिंग विच इज टोटली बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। इट्स ए 360 डिग्री ऑफ फैसिलिटी वेयर द इंस्टीट्यूट द स्टाफ एंड द स्टूडेंट आर गेटिंग फैसिलिटी फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा, एंड इट कैन बी इन वेरियस वेज। इट कैन बी फॉर ए पर्सनल लोन, फॉर ए कार लोन, फॉर ए कंज्यूमर लोन, इट कैन बी ए रिटेल लोन, इट कैन बी ए हाउस, यू नेम इट एंड वी ऑफर इट। एंड द होल स्पेक्ट्रम इज फॉर द इंस्टीट्यूट, स्पेक्ट्रम इज फॉर द स्टाफ, स्पेक्ट्रम इज फॉर द स्टूडेंट हु आर स्टडिंग हियर। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हमें लोन दिया, तो लोन तो उन्होंने कॉलेज को दिया था, लेकिन कॉलेज के जितने भी सेल्फ फाइनेंस सेक्शन के एम्प्लॉयज़ हैं सबके अकाउंट्स बैंक ऑफ बड़ौदा में खुले। बहुत लोगों को उसमें लोन मिला, बहुत लोगों को रोज़गार के लिए लोन मिला, घर के लिए लोन मिला, व्हीकल के लिए लोन मिला। तो इस सब से बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे स्टाफ के डेवलपमेंट में, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा। यानी एक संस्था का निर्माण अपने साथ साथ कई लोगों को जोड़ता है। स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज सबके सपने, सबकी उम्मीदें और समाज में अपनी एक पहचान बनाने का जरिया बन जाता है। मार्केटिंग मैनेजर बनने के लिए हमें फर्स्ट थिंग इज पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड कन्विंसिंग बिहेवियर चाहिए। अपना एटीट्यूड वैसा होना चाहिए कि सामने वाले को आप कन्विंस कर सको। सो वो थिंग मुझे इस कॉलेज से मिल रहा है। मैं बहुत बड़ी एडिटर बनूंगी एक दिन, क्योंकि मुझे कॉलेज वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है। Today my standard of living from where I was and where I am has increased immensely. So that is what I feel that this job has given me. इस कॉलेज ने मुझे एक अच्छा करियर दिया, एक अच्छे लेवल का एडुकेशन मैंने कंप्लीट किया, अच्छा लाइफस्टाइल दिया, एक अच्छी फैमिली दी, एक अच्छा इनकम सोर्स दिया, जो मेरे जिंदगी को दिन ब दिन या सालों साल बेहतरीन बना रहा है। मुझे कॉलेज एक एरिया देता है जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, गुड कोचेस देते हैं। मैं अभी यहाँ से 20 साल से सर्विस करता हूँ। अगर ये नौकरी अगर मेरे को नहीं मिलता था तो मेरा आगे का फ्यूचर क्या होता है मेरे को ही पता नहीं था। कोशिश से जुड़ा ये प्यारा सा रिश्ता युवाओं को वो आत्मविश्वास दे रहा है जो आने वाले समय में देश की प्रगति का साक्षी होगा। टॉप की कंपनीज में जाना है, लाइक टॉप। आई कैन बी द किंग। अभी मुझे बॉक्सिंग करनी पसंद है, वो मेरी हॉबी नहीं, अभी मेरा करियर बन रहा है। हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। यहाँ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक खास व्यक्ति से। इनके नाम और इनके काम को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, और इनके हुनर का ये लंबा सफर आपके अंदर कुछ कर दिखाने का एक नया जोश भर देगा। आप मिलिए इनसे। It happened in 1974. We were having lunch at Ratna Patak's house in Dadar,
And suddenly the door opened and in walked a gentleman. I didn't know who he was. तो उन्होंने कहा कि तुम प्ले में एक्टिंग करोगे? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं आती एक्टिंग. स्पोर्ट्स में आई वॉज प्रीटी गुड, आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट ऑफ क्रिकेट देन, तो वो ठीक था. लेकिन जब उन्होंने ऐसे धमकी के साथ कहा कि तुम एक्टिंग करोगे, तो मैं थोड़ा डर गया. मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं आता. नहीं, तुम करोगे, मैं तुम्हें एक्टर बना के ही छोड़ूंगा. वो शब्द आज भी मेरे कानों में बजते हैं. मुझे बाद में पता चला कि वो हैं पंडित सत्यदेव दुबे. अच्छी बात हमने दुबे जी के साथ ये सीखी कि एक तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा आ गया हमारी लाइफ में, वो अपने आप में एक स्किल है. दूसरा था फोकस और तीसरा था कमिटमेंट. सो दीज थ्री थिंग्स, दीज थ्री इंग्रेडिएंट्स वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर फॉर अस. इट जस्ट रिक्वायर्स वन गुड वर्क टू बी रिकॉग्नाइज्ड. आई हैव कम टू दैट कंक्लूजन. राजी वॉज माई बिगेस्ट वर्क आई हैव डन. That was recognized, and I think because of which Uri happened, other films are happening. I've been a part of 5 very iconic films, starting with Mary Kom, Talwar, Dangal, Razi, and Uri. There is no such thing as talent, but there is something called lack of talent. Lack of talent comes about when you're not in the right place. If anybody wants to pursue a career in acting, if you want to follow your passion, do it. But do it within the parameters of that particular field. Don't try and flirt with each medium. You know, you want to do acting, you want to do classical singing, you want to do dancing. No, just concentrate on acting. Then I think it is necessary for you to fine-tune your skills. हुनर जिसको कहते हैं, वो अगर हुनर है आप में, तो देन गो अहेड विद इट. पायरा, खोज नई, उम्मीद नई. राइनो डाइजेस्टर, जैसे ही नाम कहता है, इज बेसिकली अ न्यू डाइजेस्टर सिस्टम, जिसमें हम जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको हम डाइजेस्ट करके इन एन अर्ली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू वैल्यू. हर घर से औसतन एक दिन में डस्टबिन भर के कचरा तो निकलता ही है. अब जरा देश की पॉपुलेशन के हिसाब से अंदाजा लगाइए कि रोज शहर में कितना कचरा निकलता होगा. आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल करीब 62 मिलियन टन कचरा निकलता है, जिसमें से सिर्फ 15% ही प्रोसेस होता है. लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब कचरा बाहर फेंका ही नहीं जाएगा? क्या आपको ये नामुमकिन लगता है? अरे जनाब, जब हुनर की तूती बोलती है तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है. और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने वाला यह प्रयास किया मुंबई में रहने वाले डॉक्टर कबीर उद्देशी ने, जिन्होंने बनाया ये वेस्ट डाइजेस्टर सिस्टम. एक दिन मैं ऐसे ही वॉक पे जा रहा था और एक डंपस्टर देखा, तो वो डंपस्टर लेके मैंने बोला कि ये ठीक नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है. हम सिविलाइज कंट्री है और मैं पढ़ा रखा तो कुछ करना चाहिए. तो बस वो थॉट लेके मैं पढ़ने लगा वेस्ट के बारे में. वो एक सीन था कि एक डंपस्टर है और मुझे उसका अच्छा नहीं लगा, तो उसका सोल्यूशन निकालना है, तो उसके पीछे लग गया. तो ये शुरू कि घर से वेस्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो मैंने रियलाइज़ किया कि वो डंप में जाता है, वहाँ से बहुत सारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है और आसपास के जो लोग रहते हैं उनका हेल्थ बहुत बिगड़ जाता है. तो मैंने सोचा कि घर के अंदर ही स्टॉप होना चाहिए, घर से कचरा बाहर फेंका ही न जाए. ये थॉट लेकर डॉक्टर कबीर ने जब पहला डाइजेस्टर बनाया तो उसमें बहुत सी कमियां रह गईं. वो टाइम की जो टेक्नोलॉजी थी, स्टेट ऑफ द आर्ट, वो लगभग बड़ी थी, एक मीटर क्यूब, राइट, जो घर के लिए. तो ऑलमोस्ट 5 feet by 5 feet जगह लगता था, और उसमें 2-3 शॉर्ट कमिंग्स थी, राइट, जो सस्टेनेबल था लेकिन साइज़ बहुत बड़ा था. दूसरा, उसमें मस्कीटोज ब्रीड करते थे, और तीसरा, वो कोल्ड क्लाइमेट में बंद हो जाता था प्रोसेस. तो फिर मैंने आइडेंटिफाई किया कि इसमें से क्या सुधारना ज़रूरी है, तो उससे सुधार कर मैंने छोटा बना दिया. अभी वो कंसिस्टेंट चलता है, उसमें कंट्रोल सिस्टम डाल दिया और पूरा सील्ड हो गया.
और अभी हम देख रहे हैं कि मुंबई के अपार्टमेंट में भी इंस्टॉल कर सकते, कोई भी अपार्टमेंट में इंस्टॉल हो सकता है। यानी ये छोटा सा डाइजेस्टर किसी भी घर में आसानी से लगाया जा सकता है, जो आपके घर से निकले कचरे को घर में ही प्रोसेस करने की क्षमता रखता है। बस आपको कचरा इसमें डालना है और इसका काम शुरू। लेकिन क्यूरियोसिटी इस बात की हो रही है डॉक्टर कबीर की, ये काम कैसे करता है? इसका ब्यूटी है कि ये पूरा नेचुरल प्रोसेस है, तो उसके अंदर नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया है, तो वो बैक्टीरिया एसेंशियली वेस्ट को ब्रेक डाउन करता है और वो उसको बायोगैस में कन्वर्ट करता है और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में। और हमने क्या किया है, सिर्फ बैक्टीरिया को अंदर अरेंज किया है ताकि वो अपना काम कर सके सिस्टमेटिकली, और उनको कंडीशन दिए जिससे वो एफिशिएंटली काम करें। वाह, यानी बिना किसी मशक्कत के ये बड़ी आसानी से कचरे को मैन्योर और बायोगैस में बदल सकता है। गैस का इस्तेमाल घर में कुकिंग के लिए और ये खाद पेड़ों को हरा भरा और फल फूलदार बनाने के काम में आती है। और डॉक्टर कबीर के घर के ये पौधे देखकर तो आप ये अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये कितनी इफेक्टिव है। अब ऐसी इन्वेंशन को बायरैक का साथ न मिले ऐसा कैसे हो सकता है? बायरैक का जो स्पर्श स्कीम है उसके अंदर हमको ग्रांट मिला, तो वो स्टेज पे हमारे पास बहुत एक सिंपल डाइजेस्टर था, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो मॉनिटरिंग है, वो सब फीचर्स नहीं थे। जैसे बैक्टीरिया को अच्छी तरह काम करने के लिए दो बेसिक चीज़ चाहिए, राइट, उनका टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए और सर्कुलेशन मिलना चाहिए। एक्चुअली हमको बायरैक से जो सपोर्ट मिला उससे हमने वो टेक्नोलॉजी डेवलप की जिससे ये उसका मिक्सिंग, उसका गैस जनरेशन, उसका टेम्परेचर मेंटेन सब आसानी से हुए, सीमलेस भी हुए। यानी छोटा सा घर हो या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी जगह इस डाइजेस्टर को लगाया जा सकता है। अब तक फ्लाई कैचर कई डाइजेस्टर इंस्टॉल कर चुका है और सबसे अनोखी बात यह है कि हर डाइजेस्टर पर इंटरनेट और कंप्यूटर से एक अनोखे सॉफ्टवेयर की मदद से घर बैठे नजर रख सकते हैं। मुंबई के होली फैमिली हॉस्पिटल में लगे इस डाइजेस्टर के फायदे आप खुद ही सुनिए। What we like about it, it's very eco-friendly, and the other ideal thing is that it is easy to use, and the advantage of the flycatcher basically is that any person who is having no skills can operate it. हम मानते हैं कि एक दिन आएगा कि डाइजेस्टर टॉयलेट जैसे हो जाएगा या रेफ्रिजरेटर, कि हर घर में रहेगा ही बाय डिफॉल्ट, तो टाइम लगेगा लेकिन एक दिन आएगा। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं रोजगार और जानना चाहते हैं किसी भी कोर्स या वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में, तो NSDC को मिस कॉल दीजिए 0880005555 पर, या विजिट कीजिए NSDC की वेबसाइट www.nsdcindia.org। इसके बाद NSDC कॉल सेंटर से आपको कॉल किया जाएगा। कौशल भारत, कुशल भारत। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हाँ, मुझे पता है कि आप अपने मैसेजेस पढ़ने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो मैं भी ज्यादा बात नहीं करूंगी और आपके मैसेजेस पढ़ना शुरू करूंगी। सबसे पहला मैसेज आया है अंजलि का MP से। ये लिखती हैं कि इन्हें हुनरबाज देखना बहुत ज्यादा पसंद है, इसमें बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज दिखाई जाती हैं और करियर गाइडेंस भी होता है। थैंक यू टू होल हुनरबाज टीम फॉर सच इंस्पिरेशनल स्टोरीज। थैंक यू तो आपका करना चाहिए अंजलि, जो आप हमारे शो को इतना पसंद करती हैं। यकीन मानिए, आपका ये मैसेज हमें काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करता है और यूं ही आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरणा देता है। धन्यवाद। अगला मैसेज है राजेश कुमार का दिल्ली से। ये लिखते हैं कि ये हुनरबाज बहुत पहले से देख रहे हैं और इन्हें ये शो बहुत पसंद भी है, लेकिन एक चीज़ ये जो सबसे ज़्यादा मिस करते हैं वो है सुरभि की जो जोड़ी थी, सिद्धार्थ काग जी और रेणुका जी की, वो जुगलबंदी ये कहीं ना कहीं मिस करते हैं। राजेश जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि रेणुका जी और सिद्धार्थ जी की जो सुरभि में जोड़ी थी और जो जुगलबंदी उनके बीच चलती थी वो बड़ी ही कमाल की थी और इसे काफ़ी लोग मिस करते हैं। और हम ये प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में, भविष्य में, इस जोड़ी को चाहे हुनरबाज में चाहे किसी और प्रोग्राम के जरिए स्क्रीन पर फिर से लाया जाए। धन्यवाद आपका ये मैसेज भेजने के लिए। अगला मैसेज है
मयंक शेखर का बिहार से। इन्हें हमसे एक शिकायत है, खास तौर पे मुझसे। ये कहते हैं कि जो मैं सवाल पूछती हूँ और उसका जवाब देने के लिए जो हिंट देती हूँ वो मुझे नहीं देने चाहिए, क्योंकि उससे जवाब देना काफ़ी आसान हो जाता है और इन्हें लगता है कि ये चीटिंग कर रहे हैं। अरे मयंक जी, आप बिल्कुल चीटिंग नहीं कर रहे हैं। हिंट देने के पीछे हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जवाब दे पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनाम जीतने का मौका मिल पाए, एक फेयर चांस सबके लिए। इस मैसेज को भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हो गए आपके मैसेजेस, और चलिए अब हम फटाफट जान लेते हैं कि क्या था पिछले हफ्ते का सवाल। हमने आपसे पूछा था कि काशीपुर के रहने वाले सुभाष गुप्ता ने BSVS से किस ट्रेड में ट्रेनिंग ली थी। चलिए जानते हैं कि किसका जवाब सही है और किसका गलत। मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग ली। मोबाइल रिपेयरिंग मोबाइल के जरिए। मोबाइल रिपेयर का ट्रेड सीखा। मोबाइल रिपेयरिंग मोबाइल रिपेयरिंग मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग ली। मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स। उत्तराखंड स्टेट से ट्रेनिंग ली। मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेड। मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग ली। मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग ऑटोमोबाइल। अरे सही जवाब ऑटोमोबाइल नहीं, मोबाइल है। जी हाँ, सुभाष ने मोबाइल रिपेयरिंग के ट्रेड में ट्रेनिंग ली थी और फिर उन्होंने अपनी एक शॉप खोली। तो चलिए अब जानते हैं कौन है इस बार के हमारे विनर्स। तो हमारी पहली विनर है जया फ्रॉम औरंगाबाद महाराष्ट्र। जया, बहुत बहुत मुबारक हो, आपको मिलता है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से पूरे 5,000 रुपये का गिफ्ट कार्ड। ईजी टू यूज़ और पूरी तरह से सिक्योर इस गिफ्ट कार्ड को आप किसी भी POS मशीन या ई कॉमर्स साइट पर इस्तेमाल करके शॉपिंग कर सकती हैं। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हमारे दूसरे विनर हैं गौरव फ्रॉम दिल्ली। गौरव, आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपको मिलता है KVIC की तरफ से पूरे 5,000 रुपये का गिफ्ट वाउचर, जिसे आप किसी भी खादी आउटलेट में जाकर रिडीम करा सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं खादी की। जी हाँ, आप दोनों ही विनर्स को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। और हाँ, जब खूब सारी शॉपिंग कर लीजिएगा तो हमें बताना मत भूलिएगा कि आपने क्या क्या खरीदा, है ना। और अब बारी है आज के सवाल की। आज आप डॉक्टर कबीर उदेशी से मिले, जिन्होंने एक ऐसा इन्वेंशन किया है जिससे देश की एक बहुत बड़ी समस्या का सलूशन मिलता है। तो आपको हमें बताना है कि वो इन्वेंशन देश की किस प्रॉब्लम का हल देता है। जी हाँ, उस इन्वेंशन से हमारे देश की कौन सी प्रॉब्लम का सलूशन मिलता है। भाई हिंट तो मैं ज़रूर दूंगी, और हिंट ये है कि हर सुबह हर घर से ये डब्बा भर के निकलता है बाहर, फेंका जाता है। तो आपको हमें बताना है कि ये कौन सी समस्या है जिसका सलूशन डॉक्टर कबीर उदेशी ने दिया था। पता है ना आपको जवाब? तो फिर देर किस बात की, फटाफट बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। आप हमें अपने जवाब 9757303030 पर टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। मैसेजेस भी पढ़ लिए, सवाल भी पूछ लिए, और अब वक्त हो गया है मेरे जाने का। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि अगले हफ्ते हम यहीं मिलेंगे आपसे हुनरबाज में। आप ज़रूर देखिएगा। दुनिया से ताल मिलाने का। आज हम पहुंच चुके हैं छोटी छोटी पहाड़ियों और लेक से घिरे राजस्थान के एक खूबसूरत शहर उदयपुर में। इस शहर की गोद में छिपा है खजाना, और इसी खजाने की खोज में आज हुनरबाज की टीम यहाँ आई है। और क्या आप जानते हैं कि ये सैकड़ों फिट नीचे छिपा खजाना, इसे ढूंढने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? इसके लिए हमें ज़रूरत है हुनर के नक्शे की। तो आखिर क्या है ये खजाना और क्या है ये नक्शा? कुछ करके देखो आ। हुनरबाज सीजन 5 पावर्ड बाय स्किल इंडिया मिशन एंड प्रेजेंटेड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा।